सुंदर, चमकदार और सफेद दांत हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं और हम ज्यादा ब्यूटीफुल, हेल्दी और फ्रेश नजर आते हैं। कई लोग अपने दांतों के पीलेपन के कारण मुस्कुराने से भी परहेज करते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। दांतों का पीला होने के कुछ मुख्य कारण हैं: दांतों की ठीक से सफाई न करना, या फिर ज्यादा चाय या कॉफी पीना, या फिर तंबाकू या सिगरेट का सेवन करना। कुछ मामले में डीएनए के कारण भी दांतों का रंग पीला हो सकता है। अगर सिंपल टर्म्स में समझा तो लंबे समय से आपके परिवार में कई सारे लोगों के दांत पीले हैं, इसलिए आपके भी दांत पीले हो सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से प्रतिकूल वातावरण की परिस्थितियों के कारण या शरीर में इन्फेक्शन या फिर अनुचित मेटाबॉलिज्म के कारण भी दांत पीले हो सकते हैं। अक्सर लोग अपने पीले दांतों को सफेद करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन यह ट्रीटमेंट काफी महंगा हो सकता है और इनके कारण कई साइड इफेक्ट्स होने का खतरा भी रहता है। आप कुछ आसान घरेलू उपाय को अपना कर भी अपने पीले दांतों को सफेद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 सबसे बेस्ट घरेलू उपाय जो आपके पीले दांतों को सफेद कर देगा। संतरे का छिलका। रोज संतरे के छिलके से दांतों को साफ करने से उनमें जमा पीलापन कम होता है। रोज रात को सोने से पहले संतरे के छिलके से दांतों को साफ करें। संतरे के छिलके में विटामिन सी और कैल्शियम होते हैं, जो रात भर दांतों में मौजूद कीटाणु से लड़ते हैं। इस उपचार को कुछ हफ्ते तक करने से ही आपको लाभ नजर आने लगेगा। यदि ताजा संतरे के छिलके उपलब्ध ना हो तो सूखे छिलकों को पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज में भी भरपूर विटामिन सी होता है, जो दांतों को सफेद चमकदार बनाने में मदद करता है। कुछ स्ट्रॉबेरीज को पीस कर पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट को अपने दांतों पर धीरे धीरे घिसे। ऐसा रोज 2 बार करने से आपके दांतों का पीलापन दूर हो जाएगा। या फिर एक स्ट्रॉबेरी के पल्प में 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा मिला ले। अब इसे अपने दांतों पर कुछ मिनट के लिए लगाए, फिर अपने दांतों को धोकर टूथपेस्ट से ब्रश कर ले। तुलसी। तुलसी में औषधीय गुण यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो दांतों में होने वाले कई समस्याओं जैसे कि पायरिया और मसूड़ों की कैविटी को रोकने में काफी मदद करता है। तुलसी के कुछ पत्तियों को धूप में सुखा ले और पीस कर पाउडर बना ले। अब इस पाउडर को अपने रेगुलर टूथपेस्ट में मिलाकर ब्रश करे, या फिर सूखे तुलसी की पत्तियों के पाउडर में सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट और इस पेस्ट से ब्रश करें। इस उपाय में एक बात जरूर ध्यान रखें: तुलसी की पत्तियों को चबाकर न खाएं, क्योंकि इसके कारण दांत और पीले हो सकते हैं। सेब यानी के एप्पल। सेब को चबाकर खाने से दांत साफ और सफेद होते हैं। सेब में फाइबर युक्त फ्लेश होता है, जो दांतों को कोने कोने से साफ करता है। दांतों का पीलापन दूर करने के लिए रोज एक सेब फल को चबाकर खाएं। इससे अपने दांतों के हर हिस्सों से चबाएं। सेब फल की तरह ही कई और क्रंची फूड आइटम्स जैसे कि गाजर, खीरा और मूली भी दांतों के लिए फायदेमंद होता है। लकड़ी का कोयला यानी कि चारकोल। दांतों का पीलापन दूर करने के लिए चारकोल को भी काफी लाभदायक माना जाता है। चारकोल एक क्रिस्टल बेस्ड केमिकल होता है, जो दांतों में फंसे भोजन के टुकड़ों और कीटाणु को सोख कर बाहर निकालने में मदद करता है। अपने रेगुलर टूथपेस्ट में चारकोल का पाउडर मिलाकर ब्रश करें। ऐसा रोज 2 बार करने से कुछ